तो स्वागत है आप सभी का, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं रेसलिंग बैटल। दोस्तों आज से ठीक 21 दिन बाद हम देखने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट एंटरटेनिंग और एक्साइटिंग पेपर व्यू ऑफ प्रो रेसलिंग। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रॉयल रंबल पेपर व्यू की। दोस्तों रॉयल रंबल एक ऐसा पेपर व्यू है जहाँ पर एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस रॉयल रंबल को जीतने वाला सुपरस्टार जो कोई भी होता है वह चैलेंज करता है किसी भी चैंपियन को। करंट सिनेरियो की बात करें तो WWE चैंपियनशिप या फिर यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए जाता है, वह रेसलमेनिया में चैलेंज करता है उन किसी भी दोनों सुपरस्टार में से किसी एक को, और दोस्तों उसे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। और रॉयल रंबल एक ऐसा पेपर व्यू है जहाँ पे सुपरस्टार्स की करियर्स बनते हैं। एक अकेला पेपर व्यू, लास्ट ईयर का एग्जांपल ले लो दोस्तों, ड्रू मैकेंटायर का करियर बन गया रॉयल रंबल से। दोस्तों हमने देखा कि पूरे साल में ड्रू मैकेंटायर छाए रहे। तो दोस्तों रॉयल रंबल एक बहुत तगड़ा पेपर व्यू है किसी भी सुपरस्टार के लिए अपनी करियर को बनाने के लिए। दोस्तों उससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट इस बात की होती है रॉयल रंबल में कि कौन सा बड़ा सुपरस्टार रिटर्न करने वाला है। दोस्तों रिटर्न्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिटर्न्स हुए हैं रॉयल रंबल में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन से ऐसे 5 सुपरस्टार हैं जो कि इस साल के होने वाले रॉयल रंबल में अपना रिटर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो यह बहुत कमाल की होने वाली है, इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं ऐसे 5 सुपरस्टार्स के बारे में जो कि इस साल अपना रॉयल रंबल में रिटर्न कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटे को जरूर दबा ले ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम बर्बाद करे हुए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पहले सुपरस्टार की जो कि रॉयल रंबल 2021 में रिटर्न कर सकता है, और वह कोई और नहीं हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर है। जी हाँ दोस्तों, ब्रॉक लेसनर 2021 के रॉयल रंबल में 30 मैंस रॉयल रंबल में अपना रिटर्न कर सकते हैं। दोस्तों रेसलमेनिया 36 में ड्रू मैकेंटायर के खिलाफ हारने के बाद, अपनी चैंपियनशिप गंवाने के बाद, दोस्तों ब्रॉक लेसनर 2020 में एक बार भी अपीयरेंस नहीं की। रूमर्स बीच बीच में आते रहे लेकिन दोस्तों ब्रॉक लेसनर नहीं आए। लेकिन दोस्तों न्यूज़ में यह भी आ रही थी कि बीच में कि ब्रॉक लेसनर ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन नहीं किया, लेकिन दोस्तों अब न्यूज़ आ रही है कि ब्रॉक लेसनर जल्द ही अपना कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन कर सकते हैं WWE के साथ और एक फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं WWE के साथ। दोस्तों और इसकी शुरुआत हो सकती है 2021 के रॉयल रंबल के साथ। दोस्तों रॉयल रंबल 21 में ब्रॉक लेसनर के आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, और वैसे भी WWE को ब्रॉक लेसनर की ज़रूरत है क्योंकि दोस्तों हम देख रहे हैं कि WWE की व्यूअरशिप लगातार घटते जा रही है। तो WWE में ऐसे में WWE को डेफिनेटली नीड है ब्रॉक लेसनर की, क्योंकि ब्रॉक लेसनर आएंगे तो डेफिनेटली दोस्तों व्यूअरशिप बढ़ेगी, लोगों को ब्रॉक लेसनर को देखना पसंद हो, चाहे उनको हेट करे चाहे वो पसंद करे, लेकिन दोस्तों ब्रॉक लेसनर के आने से व्यूअरशिप डेफिनेटली बढ़ती है। तो डेफिनेटली बहुत चांसेस है कि ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं 2021 के रॉयल रंबल में। दोस्तों क्या आप ब्रॉक लेसनर को आते हुए देखना चाहते हैं 2021 के रॉयल रंबल में? जी हाँ दोस्तों, मैं तो देखना चाहता हूँ। क्या आप देखना चाहते हैं प्लीज़ कॉमेंट करिए, और क्या आप चाहते हैं कि ब्रॉक लेसनर 2021 के रॉयल रंबल को जीतें? दोस्तों यह बहुत ही बड़ा मूव होगा WWE का अगर ब्रॉक लेसनर जीतते हैं 2021 के रॉयल रंबल को। तो चलिए दोस्तों पहले सुपरस्टार है हमारे ब्रॉक लेसनर। दोस्तों नेक्स्ट सुपरस्टार की बात करें जो कि 2021 के रॉयल रंबल में अपने रिटर्न कर सकता है, और वह है समोआ जो। दोस्तों 8 से 9 महीने पहले समोआ जो रिंग में लड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद दोस्तों उन्हें इंजरी हुई उनके लेफ्ट थंब में, हाथ के थंब में उनको इंजरी हुई। उसके बाद दोस्तों समोआ जो कॉमेंट्री टेबल पर आ गए, WWE ने उन्हें कॉमेंट्री पर भेजना पसंद करा, और दोस्तों WWE का यह डिसीजन बुरा नहीं था क्योंकि समोआ जो बहुत अच्छी कॉमेंट्री कर रहे हैं ऑन रॉ। दोस्तों उसके बाद से दोस्तों हम वेट करते रहे समोजो के इन रिंग रिटर्न की, लेकिन दोस्तों समोजो का रिटर्न नहीं हुआ। हालांकि मुझे नहीं लगता अब समोजो के साथ कोई इंजरी कंसर्न है, वह बिल्कुल रेडी हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वह बिल्कुल रेडी हैं रेसलिंग के लिए, लेकिन दोस्तों अभी तक WWE ने यह मूव नहीं लिया, और मुझे लगता है कि WWE 2021 के रॉयल रंबल में यह मूव लेने वाली है और समोजो अपने रिटर्न कर सकते हैं 2021 के रॉयल रंबल में। दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मूव होगा। क्या दोस्तों आप समोजो को वापस रिंग में देखना चाहते हैं या फिर कमेंट्री टेबल पे? प्लीज़ कमेंट करें। तो अगले सुपरस्टार की बात करें जो कि रिटर्न कर सकता है 2021 के रॉयल रंबल में, और वह कोई और नहीं रेसलिंग के प्रो रेसलिंग के लेजेंड रॉब वैन डैम हैं। दोस्तों रूमर्स आ रहे हैं कि रॉब वैन डैम रिटर्न कर सकते हैं WWE में एक बार फिर से। दोस्तों रिसेंटली हमने देखा कि इम्पैक्ट रेसलिंग से रॉब वैन डैम का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, उसके बाद वह फ्री एजेंट बन गए, उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं किया इम्पैक्ट रेसलिंग के साथ।
और दोस्तों हाल ही में उन्होंने टीज किया है कि वह WWE कंपनी में दोबारा आ सकते हैं। दोस्तों रूमर्स आ रहे हैं कि WWE को सुपरस्टार रॉब वैन डैम की ज़रूरत है, क्योंकि वह कुछ एडल्ट कंटेंट लाना चाहते हैं WWE वापस से। और हमें पता है कि इंपैक्ट रेसलिंग में रॉब वैन डैम और कैटी फाउब ने कैसे एडल्ट कंटेंट दिए हैं। दोस्तों डेफिनेटली एडल्ट कंटेंट देने के लिए रॉब वैन डैम बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों रूमर्स आ रहे हैं कि रॉब वैन डैम WWE के साथ फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करेंगे, वह कुछ अपीयरेंस के लिए WWE में कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, यदि रॉब वैन डैम आ रहे हैं तो डेफिनेटली हमें मज़ा आएगा। और यदि वह कैटी फोब्स के साथ आ रहे हैं, यानी कि कैटी फोब्स भी WWE में साइन करेंगे, तो डेफिनेटली दोस्तों मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इम्पैक्ट रेसलिंग में हमने उन दोनों की आपसी परफॉर्मेंस देखी और दोस्तों उन्होंने बहुत अच्छे कॉन्टेंट डिलीवर करे। हालांकि वह एडल्ट कॉन्टेंट है, लेकिन हमें पता है दोस्तों, आपको क्या ही बोलूँ, आप समझ जाओ, कंटेंट पसंद है ऐसे। दोस्तों नेक्स्ट सुपरस्टार की बात करें जो कि रिटर्न कर सकता है, वह कोई और नहीं, हमारे ब्रे वाइट फीन्ड हैं। दोस्तों हमने TLC पेपर व्यू में देखा कि कैसे रैंडी ऑर्टन ने फीन्ड को दिन दहाड़े रिंग के बीच में जला दिया। हालांकि सच में नहीं जला दिया, आप सच में मत मान लेना, लेकिन दोस्तों उसके बाद से दोस्तों फीन्ड बिल्कुल नज़र नहीं आए WWE में। हालांकि एलेक्सा ब्लिस ने साइन दे दिए हैं कि फीन्ड आएंगे और बहुत स्ट्रांगली वे में आएंगे। दोस्तों हमें लगता है कि रॉयल रंबल एक बेस्ट प्लेस है जहां पे हमें फीन्ड की रिटर्न देखने को मिल सकती है, फीन्ड की वापसी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों यदि वह रॉयल रंबल में आते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों उनके इस मैच को जीतने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों यह थे हमारे 14 सुपरस्टार जो कि रॉयल रंबल में आ सकते हैं, अपनी रिटर्न कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यह सुपरस्टार कोई और नहीं, सबसे मोस्ट पॉपुलर सुपरस्टार, जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं रॉक की। रॉक आ सकते हैं 2021 के रॉयल रंबल में। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि रॉयल रंबल में ही दोस्तों रॉक की एंट्रेंस हो या फिर रिटर्न हो। दोस्तों जैसा कि हम स्मैकडाउन शो पर देख रहे हैं कि रोमन रेंस स्मैकडाउन शो को लीड कर रहे हैं, वह अपनी फैमिली लेगेसी बना रहे हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड आ चुका है वह, क्योंकि वह हील सुपरस्टार बन चुके हैं। दोस्तों रिसेंटली एक मैच ऐड हुआ है रोमन रेंस वर्सेस एडम पेस के बीच में फॉर द रॉयल रंबल फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। दोस्तों डेफिनेटली सबको पता है कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। दोस्तों इस मैच से WWE में यह दिखाना चाहेगी कि रोमन रेंस के अंदर बहुत घमंड आ चुका है और इसी बात को घमंड तोड़ने के लिए रॉक आएंगे और बताएंगे कि उनकी फैमिली में रॉक ही सबसे टॉप पे हैं। जी हाँ दोस्तों इस मैच में रॉक की वापसी हो सकती है और इसी के साथ दोस्तों रोमन रेंस को पे भी वह अटैक कर सकते हैं इस मैच में। दोस्तों अगर रॉक आते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ही शॉकिंग और मोस्ट इलेक्ट्रिफाइंग मूवमेंट होगा। और इसके बाद दोस्तों हमें फ्यूड देखने को मिलेगी इनसाइड WWE रॉक वर्सेस रोमन रेंस के बीच में दोस्तों, और इसका परिणाम होगा कि एक मैच होगा इन दोनों के बीच में फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट रेसलमेनिया 37। दोस्तों क्या आप रॉयल रंबल में रॉक की वापसी देखना चाहेंगे? मैं तो देखना चाहूँगा दोस्तों, और मैं यह मैच भी देखना चाहूँगा एट रेसलमेनिया 37 में। दोस्तों डेफिनेटली ये बहुत ही शॉकिंग और इलेक्ट्रीफाइंग मोमेंट होगा अगर रॉक वापस आते हैं WWE में। वैसे भी हम रॉक को बहुत ही कम देखते हैं WWE में, लेकिन दोस्तों जैसा कि अभी फ्यूड चल रहा है, जैसा कि अभी रोमन रेंस की राइवलरी चल रही है, जैसे कि रोमन रेंस की स्टोरी लाइन चल रही है WWE में, डेफिनेटली रॉक का आना बनता है। तो दोस्तों यह थे इस वीडियो में, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आशा करता हूँ आपको पांचों सुपरस्टार के बारे में इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने दी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप इन पांचों सुपरस्टार में से कौन से सुपरस्टार की वापसी देखना चाहेंगे? मैं तो चाहूँगा कि सभी सुपरस्टार आ जाए, लेकिन दोस्तों डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई सुपरस्टार जरूर आएगा रॉयल रंबल में। दोस्तों क्या आप एक्साइटेड हैं रॉयल रंबल के लिए? क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ रॉयल रंबल के लिए। दोस्तों मैं तो इन सभी सुपरस्टार की वापसी देना चाहता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करें कमेंट बॉक्स में आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा। दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ताकि और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। दोस्तों धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों।